देखिए, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ मुझे उम्मीद है कि युवाओं पे फोकस किया जाएगा, रोजगार सृजन कैसे हो बिहार में इस पे फोकस किया जाएगा। जो कोरोना काल में जो बजट पेश हुआ, जो स्पेशल बजट पेश हुआ, भारत सरकार का बजट पेश हुआ, इधर बिहार सरकार ने पैसे दिए, उसमें भी घोटाला हुआ, चाहे मास्क का घोटाला हो, चाहे डस्टबिन का घोटाला हो, तो ऐसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं सरकार से कुछ कि इस बजट में कुछ युवाओं के लिए खास होगा। सरकार के सभी क्षेत्र में तो विकास ठीके है, लेकिन शिक्षा के थोड़ा सा नीतीश कुमार जी ये कर रहे हैं, अगर शिक्षा अगर सही सलामत हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मुश्किलें आ रही हैं छात्रों पे जो पढ़ाई करते हैं, साल साल भर दो दो साल मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं आता है, परीक्षाएं देरी से होती हैं, तो वो सब में सुधार चाहते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया तो उस पे लगाम चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल बिहार विधानमंडल में बजट पेश होना है, बिहार के बजट में क्या कुछ खास मिलेगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं बिहार के बजट को लेकर के। क्या कुछ बिहार के लोगों को मिल पाएगा, आम लोगों को कल बजट से क्या उम्मीदें हैं, हम लोगों से जानते हैं, चलिए युवाओं से जानते हैं, बुज़ुर्गों से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए बिहार के बजट से, उनकी क्या उम्मीदें हैं। कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। कल बिहार का बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है सरकार युवाओं के लिए क्या कर? जी, सरकार से यही दरखास्त है कि मतलब एडुकेशन पे और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें, और एडुकेशन होगा तभी अपना बिहार मतलब आगे बढ़ेगा। एडुकेशन और स्वास्थ्य मतलब अच्छा रहेगा, आदमी को अच्छा भी रहना, स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ेंगे, और ये सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है। इस सब पे मतलब टीचर की बहाली अच्छी, अच्छे टीचर को कंपटीशन पे लाएं और अच्छा ये करें टीचर की बहाली, तब नहीं आगे स्टूडेंट लोग भी पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएँ लगता नहीं है कि पहले से कुछ बेहतर हुई है? सरकार तो कहती है कि पहले से बहुत सुधार आया है। पहले से कुछ खास सुधार नहीं है, मतलब जाते हैं वहाँ पे इसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ लोग जा रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता तो सरकारी में ही करवाते सब। ऐसा किया जाए कि लोग प्राइवेट में ना जाकर सरकारी में? जी, सरकारी में जाए। देखिए, कुल मिलाकर युवाओं का कहना है, हम और लोगों से बात करते हैं कि विकास जो वो कहते हैं उसका अर्थ वो क्या समझते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं जिसके बाद वो कह सकें कि हाँ विकास हुआ है। कल बिहार का बजट पेश होना है और ऐसे में युवाओं को भी काफ़ी उम्मीद है इस बजट से। वरुण है हमारे साथ, युवा है पटना के, क्या उम्मीद है कल जो बजट आने वाला है, क्या कुछ खास देखना चाहते हैं? देखिए, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ मुझे उम्मीद है कि युवाओं पे फोकस किया जाएगा, रोजगार सृजन कैसे हो बिहार में इस पे फोकस किया जाएगा, और जो कोरोना काल में रियल इस्टेट में भी जो मंदी थी, रियल इस्टेट एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, तो रियल इस्टेट के लिए भी स्पेशल पैकेज देने की ज़रूरत है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे भी कहीं निजात चाहिए। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे रोज़मर्रा की सारी वस्तुओं की दाम बढ़ जाती है। हमें भी वैकल्पिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं। तो इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की प्रावधान हो, ताकि लोगों को जब सब्सिडी मिलेगा तो उस वाहन को खरीदेंगे और प्रमोट उसको किया जाए, तभी तो पेट्रोलियम पदार्थ भी सीमित है, तो हमें आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी उसे बचा कर रखना है। और बिहार कृषि युक्त यहाँ की भूमि है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा जा सकता, ऐसा मेरा समझ है। तो बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में ही विकसित किया जाए, एजुकेशनल हब बनाया जाए बिहार। बिहार का बजट पहले कुछ और था, आंकड़े बिहार सरकार भी देती है, अब कुछ और हो गए हैं, तो क्या उम्मीद है कि तरक्की और अभी? बिहार का बजट RJD के शासनकाल में मात्र 24,000 करोड़ था, जो कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले साल का बजट 2,00,000 करोड़ का था, लगभग 17 गुना ज़्यादा बजट है। तो हमें उन पर पूरी यकीन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान, मेरे समझ से यही चार मूलभूत स्तंभ है जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और नीतीश कुमार जी युवाओं, छात्रों, नौजवानों के उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं और इस बजट में भी लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। क्या लगता है कल बिहार का बजट पेश होना है, ऐसे में कितनी उम्मीदें हैं, क्या सरकार खड़ा उतर पाएगी? देखिए, उम्मीद तो अब ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का समय चला, लॉकडाउन चला, उसके बाद अर्थव्यवस्था हमारी चरमराई हुई है, और ख़ास करके अगर बिहार के बजट की आप बात करते हैं आलोक जी, तो बिहार का बजट की अगर बात करें तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब है। बिहार का जो बजट, जो पिछले बार ग्रीन बजट पेश हुआ था, उसमें जल जीवन हरियाली जैसा बजट पेश हुआ था, उसमें आप देखें सब जगह घोटाला हो रहा है। आप जो कोरोना काल में जो बजट पेश हुआ, जो स्पेशल बजट पेश हुआ, भारत सरकार का बजट पेश हुआ, इधर बिहार सरकार ने पैसे दिए, उसमें भी घोटाला हुआ, चाहे मास्क का घोटाला हो, चाहे डस्टबिन का घोटाला हो, तो ऐसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं सरकार से कुछ कि इस बजट में कुछ युवाओं के लिए खास होगा। कुछ लोगों को नहीं भी है, क्या लगता है आप आम आदमी ने नहीं सड़कों पर घूम रहे, कल बिहार का बजट पेश होना है तो क्या आम लोगों को क्या चाहिए इस बजट में मिले? आम आदमी को जो है रिलीफ, हर तरह की सुविधा मिले, महंगाई कम हो,
विकास ज़्यादा हो, बच्चे लोगों की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया रहे। इन दिनों बिहार में का विकास जो है वो हो रहा है, ठीक है पहले के मुताबिक? पहले के अपेक्षा तो उतना नहीं है कि बराबर दिख रहा है। गरीब लोगों के बाल बच्चा पढ़ नहीं रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ नहीं रहा है, बहुत तरह की समस्या है गरीबों को। जब बात आती है तो क्या लगता है बिहार में कुछ एक नया स्कोप बनना चाहिए? बनना तो चाहिए और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि होगा। सरकार के सभी क्षेत्र में तो विकास ठीके है, लेकिन शिक्षा के थोड़ा सा नीतीश कुमार जी ये कर रहे हैं। अगर शिक्षा अगर सही सलामत हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। कुछ क्या कल कारखाने आने चाहिए बिहार में? कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है रोजगार के लिए? हाँ, रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छा। सरकार जब चुनाव जीत कर आई थी तो उन्होंने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा बिहार में? हाँ, उम्मीद तो है नीतीश जी से कि रोजगार कुछ आएगा। हाँ, और क्या क्या मांगते हैं आप? तो आम आदमी है, आम आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, खाना पीना। हाँ, यही चाहिए, रोजी रोटी, और क्या चाहिए? और तो हम लोग उम्मीद करते ही हैं, नीतीश जी से भी उम्मीद करते हैं और जो हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री उनसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद किए भी हैं। हाँ, किए भी हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं लेकिन उन त्रुटि को सुधार रहे हैं। देखिए, सुधार रहे हैं। और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। शाम का समय है, कल बिहार का बजट आना है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि रोज़गार मिले छात्रों को और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि हर एग्ज़ाम के पहले पेपर लीक जो हो जा रहे हैं, चाहे टेंथ का एग्ज़ाम हो चाहे फिर BPSC का एग्ज़ाम हो, हर तरह का पेपर लीक हो जा रहा है एग्ज़ाम से पहले, जिससे उससे बहुत सारी सुविधा मुश्किलें आ रही हैं छात्रों पे जो पढ़ाई करते हैं, साल साल भर दो दो साल मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं आता है, परीक्षाएं देरी से होती हैं, तो वो सब में सुधार चाहते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया तो उस पे लगाम चाहते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पर लगाम चाहते हैं, वरुण भी हैं, उससे हम बात करेंगे। क्या लगता है भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा है। देखिए, भ्रष्टाचार अगर किसी के खून में घुस गया है तो भगवान भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप डेली न्यूज़ देखते हैं, दो चार ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में पकड़ाते हैं, जेल जा रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त हो रही है, फिर भी वो नहीं सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार इसका प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं, सीधा डिसमिस। बिल्कुल, बिहार देश का पहला राज्य है जो अपने पुलिस पर सबसे ज़्यादा डिसमिस करने और एक्शन लेने वाला राज्य है, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं तो कैसे आखिर होगा? लोगों को ये आचरण बन चुका है भ्रष्टाचार करना, हमें भी सजग होना चाहिए। हम भी शॉर्टकट के रास्ते में भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देते हैं, कुछ घूस देते हैं ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए, तो हमें भी सुधरने की आवश्यकता है। हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती है। लोग बार बार कहते हैं शराब बिक रहा है, शराब का हम सेवन कर रहे हैं तब तो बिक रहा है। अगर हम सेवन तो काम सरकार तो निश्चित रूप से सरकार चुनौती है इसको और चुनौती के रूप में ले रही है और काम कर रही है, एक्शन ले रही है, फिर भी अगर कहीं चूक हो रहा है तो उस पर और ज़्यादा कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी का आज का स्टेटमेंट से क्लियर हो चुका है कि आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम कड़ा एक्शन लेंगे। और भी जो लोग हैं उनसे हमने आपको बातचीत करके सुनवाया है, आम लोगों की क्या उम्मीद है? कल बिहार का बजट आने वाला है, बजट से कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है। क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो कम हो या कम होना चाहिए और महंगाई पर कुछ काबू पाना चाहिए। आप पहले भी काम करते होंगे, अभी भी काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। बचत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही। कोरोना काल में तो सबको घाटा हुआ है, हमको भी हुआ है, आपको भी हुआ है, सबको हुआ है, रिक्शा चला रहे उनको भी। हाँ, अभी तो एकदम पूरे घाटा में है सब। क्या उम्मीद रखते हैं कल बिहार के बजट में, क्या चाहते हैं? क्या हम बोले, बजट बोलिए, तब तो सरकार सुनेगी। सरकार को चाहिए कि आने वाला समय के मुताबिक बजट निकालें, महंगाई पर कुछ पाव काबू पाएं, रोजगार कुछ, ये सब। पेट्रोल डीजल दाम ना, वो तो कम होने चाहिए, नहीं तो मर जाएगा आदमी। देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम कम होना ही चाहिए, महंगाई पर लगाम लगना ही चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। यही बिहार की युवाओं की, हर वर्ग के लोगों की मांग है। कल बिहार का बजट पेश होना है, वित्त मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बजट को पेश करेंगे। क्या कुछ उम्मीदों पर खरा वो उतरते हैं वो तो कल देखा जाएगा। बहरहाल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।